चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर नया टॉपिक लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले तो भाई केमिस्ट्री में क्या करते हैं, बोला मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, सब्सटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो किस टाइप से रिएक्शन करता है, वो कैसे बिहेव करता है, इन सब बात को हम लोग जो है केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जैसे वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टी मुझे डिस्कस करना है तो वाटर के स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। वाटर के स्ट्रक्चर जो है फार्मूला तो H2 होता है, HOH, ठीक है। तो वाटर के पहले मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का एटम कैसा होता है, हाइड्रोजन का एटम कैसा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो जुड़ते हैं तो किस तरह जुड़ते हैं, उनकी बॉन्डिंग किस स्ट्रॉन्ग होती है। सब्सटेंस के बारे में अगर पढ़ना है तो पहले हमें एटम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एटम को एक्सप्लेन करने के लिए समय समय पर कई सारे जो है मॉडल्स, कई टाइप के जो है एक्सपेरिमेंट किए गए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ सबसे पहले जो है एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन मॉडल जो है दिया गया था। थॉमसन मॉडल में जो है बताया गया था कि एटम जो है तरबूज जो है वाटरमेलन की तरह होता है, जिसके अंदर रेड पार्ट तो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो लाइक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज के अंदर निगेटिव चार्ज अंदर इम्बेडेड, मतलब धसे हुए रहते हैं, ठीक है ना, इस तरह से दिया था। तो वहाँ पर जो थॉमसन मॉडल था, जो वाटरमेलन मॉडल था, तो वहाँ पर प्रॉब्लम यह थी कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी और अल्फा पार्टिकल को क्या किया था, उन्होंने इस पर स्ट्राइक किया था, तो उन्होंने देखा है कुछ पार्टिकल, मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल अपने पथ से बेंट हो गए, कुछ बहुत कम पार्टिकल क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए, गए थे और वापस लौट के आ गए, गए थे और वापस लौट के आ गए। तो यहाँ पर जो थॉमसन मॉडल था वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा सका, ठीक है। तो यहाँ पर थॉमसन मॉडल फेल हुआ, लेकिन उसने ये बात जरूर बताई थी कि एटम के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल क्वांटिटी में होता है, मतलब एटम न्यूट्रल होता है, ऐसा थॉमसन मॉडल ने बताया। थोड़ी थोड़ी सक्सेस इन्होंने गेन की। उसके बाद थॉमसन मॉडल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब अगला जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को लिया, गोल्ड फॉइल मतलब जो गोल्ड की एक थीन शीट जिसे गोल्ड फॉइल कहते हैं, गोल्ड फॉइल को लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी से मिलते हैं, सब्सटेंस जो है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल जो है ऑटोमेटिकली जो है निकालते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो वो जो अल्फा पार्टिकल निकले उन्होंने क्या किया, उनको गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लोग रदरफोर्ड मॉडल, थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, एग्जाम के व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो रदरफोर्ड मॉडल के लिए हम लोग सबसे पहले रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल को लिया, गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड की थिन शीट ली और थिन शीट के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल क्या किया, बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल के बारे में बता दूं आपको, ये हीलियम जैसा पार्टिकल होता है, हीलियम इतना ही मास होता है, हीलियम एटम इतना मास होता है, ऐसे पार्टिकल होता है, लेकिन इसके ऊपर प्लस टू चार्ज होता है, पॉजिटिव टू चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो मैंने अल्फा टू प्लस बताया, ठीक है, सिंबल 2H4 यूज करते हैं स्टडी के लिए, ठीक है, इसके ऊपर प्लस टू चार्ज होता है, ठीक। उन्होंने क्या किया, यहाँ इतने सारे एटम गोल्ड के बहुत सारे एटम हैं, एक एटम को लिया और उसके ऊपर अपनों ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत सारे एटम हैं, कोई सा भी एक एटम लिया और एक एटम लेने के बाद में इसको हमने समझने की कोशिश की है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो एटम है,
यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए विदाउट एनी चेंज। अल्फा पार्टिकल आया सीधा निकल गया, अल्फा पार्टिकल आया सीधा निकल गया, नो डेविएशन, उसके पथ में, उसके रास्ते में, उसके ट्रैक के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, सीधा निकल गया मैक्सिमम पार्टिकल। कितने पार्टिकल? मैक्सिमम। ठीक, कुछ पार्टिकल अपने पाथ से बेंट हो गए, फ्यू पार्टिकल्स, कुछ, और कुछ वेरी फ्यू पार्टिकल गए और बाउंस बैक हो गए वापस, दीज आर वेरी फ्यू, बहुत कम पार्टिकल जो है बाउंस बैक हो गए, बहुत कम पार्टिकल बाउंस बैक हो गए। ठीक है, तो इस कंक्लूजन पर, इस एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने कुछ पॉइंट दिए और उसको हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या दिए? न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ये जो पार्ट है न्यूक्लियस जो है बहुत ही स्मॉल है। ठीक, न्यूक्लियस कितना स्मॉल है मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर एक क्रिकेट की बॉल ले लेता हूँ मैं जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, न्यूक्लियस कितना है 5 सेंटीमीटर रेडियस वाली बॉल है, तो एटम कितना है 5 किलोमीटर रेडियस, 5 किलोमीटर अराउंड द न्यूक्लियस, इतना स्पेस क्या है एटम का वेकेंट है। ये जनरल कंपैरिजन है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इतना है। तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर में होता है, कहाँ होता है, सेंटर में, मिड पॉइंट पर, मिडिल में, मिडिल में होता है, बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है। न्यूक्लियस हैज मैक्सिमम मास ऑफ एटम, न्यूक्लियस के अंदर एटम का मैक्सिमम मास होता है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, जैसे अर्थ, अर्थ सॉलिड है लेकिन इसके आसपास एटमॉस्फेयर क्या है, एयर है, और एयर क्या बहुत ही हल्की है, तो ऐसे उन्होंने बोला कि मैक्सिमम मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सेकेंड, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे पता किया, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस प्लस में क्या होगा रिपल्शन, इसलिए इनका ट्रैक चेंज हुआ, इसलिए इनका ट्रैक चेंज हुआ। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज, और मास क्यों लिया, मैक्सिमम मास कैसे लिया, क्योंकि बाउंस बैक क्यों हो रहा है, अल्फा पार्टिकल गया टकरा वापस क्यों आया, वापस कब आएगा टकरा करके, जब ये टकराएगा नहीं, मतलब रिपल्शन के थ्रू टकराएगा नहीं, न्यूक्लियस से टकराएगा नहीं, वो रिपल होकर, जैसे तो मैग्नेट रिपल होता है ना, ऐसा रिपल होकर वापस आ जाएगा। तो ये वापस क्यों आया, क्योंकि ये हैवी है। अगर मैं एक बॉल लेता हूँ प्लास्टिक बॉल और बॉल के ऊपर क्या करता हूँ ऐसे मारता हूँ, तो बॉल टकराएगा क्या होगी, वापस आएगी, बॉल के ऊपर ऐसे मारूंगा मैं तो टकरा के वापस आएगी ना, दैट इज क्यों, क्योंकि बॉल हैवी है, जो बॉल है वो क्या है हल्की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियस को बोला कि मैक्सिमम मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर जो उन्होंने बोला कि पार्टिकल चार्ज होता है, और मैक्सिमम पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब उन्होंने बोला कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो वेकेंट है, वेकेंट मतलब नो सस्टेंस, आप यूं में समझना, वेकेंट मतलब एयर होता है, एयर नहीं होता है, एयर में तो O2 ऑक्सीजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, CO2 मॉइस्चर, H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर H2O, ऐसे ये एयर के पार्ट होते हैं। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, दैट मीन्स नो सब्सटेंस, लाइक वैक्यूम, ऐसा सब कुछ भी नहीं होता है। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये था अपना रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन ये मॉडल इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या है, पहला तो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों घूम रहा है, ठीक है, तो
तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? उन्होंने बोला माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इस ये इलेक्ट्रॉन तो क्या सर्कुलर मूव कर रहा है, ऐसा घूम रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन मान लो अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी इलेक्ट्रॉन की। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी भी बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बदलेगी तो डायरेक्शन बदले वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदली मतलब पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है। और मैक्सवेल कहता है कि जब चार्ज पार्टिकल कोई एक्सीलरेट होता है तो एनर्जी इमिट करता है। एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है। कैसे? अगर मैं दो इलेक्ट्रिक वायर ले लेता हूँ जिनके ऊपर हाई पोटेंशियल है, तो यहाँ पे क्या होता है? स्पार्किंग होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? स्पार्किंग होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि एक चार्ज एक वायर भी क्या है? माइनस चार्ज ज्यादा है, तो ये इसको क्या करेगा? पुश करेगा। माने माने रिपल्शन होता है, ये पुश करेगा, तो दूसरा ने क्या करेगा? इसको पुल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, एक तो हाई जो है पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल होता है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो एक पुश करेगा तो एक पुल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है? फोर्स मिल रहा है, और फोर्स मिलने पर एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए जब पार्टिकल जैसे ही एक वायर से बाहर निकला तो इसको पुश मिला, उसको पुल मिला, तो पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ, इसलिए वहां से चिंगारी निकलती है, दैट इज एनर्जी इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन विच इज चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर भी ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। तो उन्होंने बोला, रदरफोर्ड ने कहा कि भाई चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए? एनर्जी इमिट करना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा, कंटिन्यू ऐसा होता रहेगा, और एंड में क्या होगा? वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने क्या बोला, एटम स्टेबल क्यों है वो नहीं बता पाया, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और दूसरा, दिस मॉडल आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर या किसी टाइप से एनर्जी दी जाती है तो सब्सटेंस रेडिएशन इमिट करता है, लाइट इमिट करता है, और उस लाइट को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम को, क्योंकि ये जो है इतना डिटेल में नहीं बता सकता अभी, क्योंकि क्रैश कोर्स टाइप से हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं ये वाला, और इस लेक्चर में जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते, समय की जो है टाइम की लिमिटेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, एटम के स्पेक्ट्रम को भी ये जो है मॉडल नहीं समझा सका। तो हम लोग एग्जाम के उसे पढ़ो थोड़ा सा, तो हम लोग आगे चलते हैं बोहर्स मॉडल, ठीक है। चलिए, तो हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के बाद में जो अगला इम्पोर्टेंट मॉडल है जो एग्ज़ाम के व्यू से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो है अपना बोहर्स मॉडल। तो पहले तो हम लोग इसके जो है जनरल मेन पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन बनेंगे एप्लीकेशन ऑफ द बोहर मॉडल, वहाँ पर से जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है और क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, राइट है? तो हम लोग लेते हैं बोहर्स मॉडल। बोहर ने क्या बोला? तो बोहर ने जो है रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस तो बीच में होता ही है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व करता है, तो उन्होंने बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पथ। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? सर्कल पे से घूमता रहता है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है तो वो उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स, उसका ट्रैक फिक्स है, न दूर जा रहा है न पास आ रहा है,
न न्यूक्लियस से दूर जा रहा है न न्यूक्लियस पास आ रहा है, उसका पथ क्या है? फिक्स है। तो उन्होंने बोला कि उनकी उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। रदरफोर्ड मॉडल में ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करना चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी इमिट नहीं करता है। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। उसकी डायरेक्शन, जैसे मान लो यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर जो है वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है तो डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे होगी। तो डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदलती है, और वेलोसिटी अगर बदल रही है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। तो फोर्स कहाँ से मिलता है? तो न्यूक्लियस प्लस चार्ज वाला है और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला है। रिवॉल्व जब कर रहा है तो उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वो अट्रैक्शन फोर्स उसको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज हो रहा है। हाथ में एक डोरी बांधी है आप लोग, एक पत्थर बांधी है, उसको ऐसे घुमाइए। पत्थर घूम रहा है, उसको घूमने के लिए अपना हाथ फोर्स देता है, ठीक है? उसकी डायरेक्शन बदल रही है, एक्सेलरेट हो रहा है, फोर्स चाहिए, है ना? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा आप लोगों ने, वो वाली बात। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का पथ सर्कुलर होता है, उसका ट्रैक सर्कुलर होता है। दूसरा, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। अब इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को चेंज कर सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे ना, तो जंप होकर क्या होगा? हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, और हायर से लोअर पर आते समय वो एनर्जी को इमिट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स शेल बाय एब्जॉर्ब और इमिट द एनर्जी, ठीक? और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है, इमिट हो रही है, वो फोटोन के रूप में होती है, दैट इज एच न्यू। न्यू यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है और एच जो है प्लैंक कॉन्स्टेंट है। तो E2 माइनस E1, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस, इट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन के रूप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है, ठीक है? और यहाँ पर बोला है कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसको मूवमेंट कराना है या उसके अंदर एनर्जी है, है ना? तो वो एनर्जी जो है उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम के रूप में जो हम लोग मतलब फाइंड आउट करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच अपन टू पाई। एच अपन टू पाई का होल नंबर मल्टीपल होता है एच अपन टू पाई इंटू एन। एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 वगैरह होगी, ठीक है? तो ये अपना बोहर मॉडल था। तो बोहर मॉडल क्या हुआ? न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पथ में रिवॉल्व कर रहा है। इन पथ को जो है शेल बोलते हैं, शेल नंबर वन, शेल या ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब पथ, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। और उन्होंने जो है इनको नाम भी दिया था के एल एम एन एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये अपना बोहर मॉडल हुआ, और हम इसके अब एप्लीकेशन वगैरह पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, चलिए तो हम लोग बोहर्स मॉडल की जो है एप्लीकेशंस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं एग्जाम की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। बोहर मॉडल ने बोला कि हाइड्रोजन में सिंगल वन इलेक्ट्रॉन होता है। बोहर मॉडल जो है हाइड्रोजन के लिए ही जो है उन्होंने जो है डिजाइन किया था, हाइड्रोजन को स्टडी किया उन्होंने, और उसी हाइड्रोजन के बेसिस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए। हाइड्रोजन में सिंगल वन इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्होंने वन इलेक्ट्रॉन वाले ही अदर स्पीसीज, जैसे हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोला 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये क्या बन जाएगा? Hg प्लस हो जाएगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? चला गया। तो ये क्या हुआ? Hg प्लस क्या हुआ? एक ऐसा पार्टिकल हुआ जिसके न्यूक्लियस में 2 तो प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये जो पार्टिकल है ये एक इलेक्ट्रॉन वाला पार्टिकल है। तो उन्होंने बोहर ने एक इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल के लिए ही उसकी जो शेल है, शेल की रेडियस,
क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो क्या होते हैं, अलग अलग शेल होते हैं। तो शेल की रेडियस का फॉर्मूला दिया, उस शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया, और उस शेल में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी हो सकता है, HE प्लस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ पर भी उन्होंने डिफरेंट शेल की रेडियस, उस शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उस शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तीनों के लिए फॉर्मूला दिया। तो हाइड्रोजन उसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। HE प्लस इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। अगर मैं लिथियम लेता हूँ, लिथियम में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Li2 प्लस इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर कितना लेंगे, 3 लेंगे। और यहाँ पर बेरिलियम ले लेता हूँ मैं, तो बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 3 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो कितने बच जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, तो Be3 प्लस लेना पड़ेगा। ये ध्यान से चारों को देख लीजिए, इन चारों में 1 इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पर से बनता है, अगर बोर मॉडल से बना तो यही स्पीसीज आपको वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसका एटॉमिक नंबर कितना लेंगे, 4। तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोर ने रेडियस का फॉर्मूला क्या दिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4π² एम स्क्वायर झेड के। यहाँ पर एन जो है शेल नंबर है, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22.7 है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, झेड एटॉमिक नंबर है जो उन्होंने यहाँ पे लिया है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फटाफट आपको जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम समय में। ठीक है, तो यहाँ पर के जो है कूलम्ब कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है सारी कांस्टेंट है लगभग, केवल यहाँ पर क्या बदलेगा, जेड और एन बदलेगा। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यूज अगर रखते हम तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। क्या मिल गया, एंगस्ट्रॉम मिल गया। ठीक है, अपन चाहे तो इसको नैनोमीटर, पिकोमीटर है ना, सेंटीमीटर, मीटर, इनमें बदल सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर अदर फॉर्म में हम लोग डिस्कस कर लेंगे रेडियस को, अगर नैनोमीटर वगैरह में आता है तो। ठीक है, चलिए, तो ये क्या का फॉर्मूला हुआ, रेडियस का फॉर्मूला हुआ। ऐसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला, एन एन प्लस शेल नंबर, कोई सा भी शेल हो सकता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, कोई सा भी शेल हो सकता है, एन इज अ शेल नंबर, राइट। तो यहाँ क्या फॉर्मूला हुआ, 2π e² z के अपन nh, यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देंगे तो 2.18 × 10⁶ जेड अपन एन मीटर पर सेकंड में अपनी वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पर आप जेड के वैल्यू 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन ले सकते हो, HE प्लस ले सकते हो, Li2 प्लस ले सकते हो, कोई सा पार्टिकल ले सकते हो, एन शेल नंबर, किसी भी शेल के अंदर आप जो है वेलोसिटी निकाल सकते हो। ऐसे ही एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी जब माइनस मिली जाती है, क्यों, न्यूक्लियस है, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे होता है तो इन दोनों का कोई क्या होता है, रिलेशन नहीं होता है, वो फ्री है, इसके कारण उसकी कोई एनर्जी नहीं होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन पास आ जाता है उसकी एनर्जी रिलीज होती है, उसकी एनर्जी कम होती जाती है। मैं कहता हूँ ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, इनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक, मैं कहता हूँ इस इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाओ, इस इलेक्ट्रॉन को दूर कीजिए, आप क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन दूर होगा। बस ना, इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। अभी क्या थी उसकी, कम एनर्जी थी, अब एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़्यादा कम में क्या, इन्फिनिटी कितनी थी, 0 थी, जब पास आते जाएंगे एनर्जी
कम से आएगी, जीरो से कम मतलब निगेटिव। इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे बताया गया है, माइनस चार से, टू पाई स्क्वायर एम ई फोर जेड स्क्वायर के स्क्वायर पा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जब इनकी वैल्यूज हम लोग रख देंगे तो 2.18 माइनस का माइनस 2.18 10 टू माइनस 18 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर जूल, ठीक है। और जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपनी एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, ये अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, ये अपना रेडियस का फॉर्मूला हुआ। इससे रिलेटेड हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहां पर मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो एंगस्ट्रॉम है आर एन इजिकल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 to the -10 meter होता है। अगर मैं इसको 10 to the -9 meter लिख दूं और एक निगेटिव पावर निकाल लेता हूं, ये क्या था, मीटर था, तो ये जो होता है वो नैनोमीटर होता है। वन नैनोमीटर जो होता है 10 to the -9 meter होता है, कितना होता है वन नैनोमीटर, कितना होता है 10 to the -9 meter होता है, ठीक है। तो यहां पर 10 to the -9 meter को अगर मैं नैनोमीटर लिख देता हूं तो 10 to the power क्या बचा, -1 बचा है, ये क्या है 0.1 हो गया। तो चाहो तो यहाँ पर हम लोग 0.529 इंटू एन इसके पास जेड एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिखते हैं 0.1 नैनोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 का इंटू करो 0.0529 एन इसके पास जेड, ये नैनोमीटर आ गया, ठीक। और मैं आपको बोल दूँ वन एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 to the -10 meter। एक काम करता हूँ मैं 100 का इंटू और 100 का डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया 100 का इंटू 100 का डिवाइड, तो ये क्या हो गया 10 to the -12 meter, ये पिकोमीटर होता है। क्या होता है 10 to the -12 क्या होता है 1 picometer होता है, यू नो नॉट, क्या आपको पता है 10 to the -12 meter क्या होता है 1 picometer होता है, ठीक है। तो यहां पर 1 angstrom क्या लिखते हैं 100 picometer लिख सकते हैं, यहां लिखो angstrom को picometer लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा आर एन वैल्यू पुट कर रहा हूं, आर एन इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम क्या लिखता हूँ 100 picometer, तो इंटू करें क्या हो जाएगा 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। क्या आपको मेरे को समझ आ रही, तो ये सब क्या है, ये सब एक क्वांटिटी को दूसरे में बदलने का तरीका होता है। आप चाहो तो सेंटीमीटर बदल सकते हो, आप चाहो मीटर बदल सकते हो, है ना। अपनों ने यहाँ पर नैनोमीटर में ले लिया, एंगस्ट्रॉम में ले लिया, पिकोमीटर में ले लिया, है ना। तो इस टाइप से जो है हम लोग एक क्वांटिटी को दूसरे में बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ Hg+। सेकंड शेल में Hg+ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो आ गया बोर मॉडल। सेकंड शेल मतलब एन के लिए कितने लिखेंगे अपन लोग, 2 लिखेंगे, और Hg+ के लिए Z कितना होता है
एची हीलियम का एटम नंबर कितना होता है? दो होता है। एन और जेड के लिए तो आंसर आ जाए आपका सेकंड की एनर्जी, ठीक है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन मतलब टू, जेड जेड मतलब टू, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, फोर बाय टू कितना होगा टू होगा, तो टू का इंटू कर लो, ठीक है ना, तो टू का इंटू करो क्या आएगा 1.058 एंगस्ट्रॉम आंसर। आपको क्या करना है, एन और जेड की वैल्यू रखना है। अगर मैं कह दूं कि सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, चलो ये क्वेश्चन दे दिया हमने आपको, ये क्वेश्चन दे दिया हमने आपको, सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, तो सेकंड शेल है तो एन तो टू होगा, शेल नंबर टू है और हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा वन होगा, तो वैल्यू पुट कर दो, जेड के लिए वन रख दो, तो फोर का इंटू कर दो और क्या आंसर आ जाएगा, फोर का इंटू टू पॉइंट 116 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरह से अपन चाहे जो वैल्यू निकाल सकते।